जी के नाम कुम के जय माता दी क्लब के तहत भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक टुनटुन यादव को सुनने 15 अक्टूबर को आप भी आइए। नमस्कार प्रणाम, हम भोजपुरी गायक टुनटुन यादव और हम आ रहे हैं 15 अक्टूबर के प्रोग्राम करने प्यारे बड़े भाई नामकुम रेलवे स्टेशन समाज सेवी और राजद नेता विनोद सिंह यादव जी के सौजन्य से झारखंड रांची में नामकुम नवयुवक संघ जय माता दी क्लब दुर्गा पूजा पंडाल और मूर्ति को आप लोगों ने जो प्यार दिया सम्मान दिया इसी के उपलक्ष्य में पूजा के बाद हम लोगों ने 15 अक्टूबर को भोजपुरी के सुपरस्टार टुनटुन यादव जी का कार्यक्रम रखा है। इसे आए और सफल बनाए। गलत परंपरा से हम अपनी सरकार को नहीं चला सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। गलत परंपरा के कारण अगर चाहता है कि हम गलत परंपरा को अपनाकर हम पार्टी को अपना मजबूत करेंगे तो ये उसका भूल है। और जितने भी झूठा मुकदमा जिला प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया गया है, टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं पर किया गया है, उसको वापस ले, अन्यथा बहुत जल्द खास करके मैं बाघमारा विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते मैं सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए कोई भी कसर हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसलिए आज हम शॉर्टकट में जिला प्रशासन को हम कहना चाह रहे हैं कि गलत परंपरा को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी को दबाने का प्रयास न करें। सैकड़ों लोगों पर केस हुआ है। हाँ, कल ही देखिए आपका वहाँ पे मोदी डी में सिजुआ में केस कर दिया गया, कुछ दिन पहले भी केस किया गया है। और अगला जो प्रेस सम्मेलन हम करेंगे वो बहुत जल्द पूरे प्रमाण तक आंकड़े के साथ करेंगे। और आप ही लोग का अखबार में आ जाया है कि ऐसे 4 दिन पहले भी केस हुआ था, फिर कल केस हुआ है। ये कहीं ना कहीं गलत है और सरकार प्रशासन को लठेत बनाकर काम करवा रहा है। सरकार अपना मन मुताबिक काम नहीं कर रहा, सच और धर्म के रास्ते पर चल के काम नहीं कर रहा है प्रशासन। अभी कुछ लोग ऐसे जो चुनिंदा लोग हैं जो प्रशासन सरकार के लठेत बनकर काम कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। इसका घोर विरोध भारतीय जनता पार्टी और टाइगर फोर्स करेगा। उन पर ज़्यादा नहीं, मात्र 48 केस हैं और आधा दर्जन मुकदमे में न्यायालय द्वारा उनको सजा भी दी जा चुकी है। तो देख लिया जाए कि इन 2 साल से ही ये वर्तमान सरकार है ना, तो 2 साल में ही 48 केस हो गया क्या? 2 साल में यदि 4-5 केस हुआ है तो 40 केस तो उनके पूर्ववर्ती सरकार के है, जहां की सरकार उनकी जेब में हुआ करती थी। इसलिए यह कहना कि यह वर्तमान सरकार लठेत की भूमिका में है और उन पर मुकदमा करा रही है, तब पिछले 40 केस का औचित्य क्या था? वो कहा हुआ सरकार में यह ये ना। और जो सजा हो रही है, जैसे अभी 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 एक केस में सजा हो गई है, तो 2013 का है मामला, उनकी सरकार थी। कतरास पीएस केस नंबर 120/2013, उसमें सजा हुई, निचली अदालत से सजा हुई, जिला न्यायालय से सजा हुई। यह इस सरकार के कार्यकाल का मुकदमा था क्या? वो विधायक हैं, माननीय हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं और पैसे से सक्षम है, इसलिए शायद मुकदमा सिर्फ 48 है, नहीं तो वो मुकदमा 100 से ऊपर होता। अगर वो आम आदमी होते, विजय झा जैसा आम आदमी होते, तो आज वो संख्या 100 से ऊपर होती, क्योंकि जितना केस हुआ उससे ज्यादा केस उन पर नहीं हुआ है, उनके कृत्यों पर। और जो आरोप लग रहे हैं, जो केस लग रहे हैं या यौन उत्पीड़न का हुआ, वो उन्हीं के पार्टी के लोगों ने किया ना, कि दूसरे लोगों ने किया क्या? जो केस हुआ उन पर यौन उत्पीड़न का, जिसने आरोप लगाया है वो तो उन्हीं के दल के पदाधिकारी हैं। ऐसा जेल में कांग्रेस का है क्या? इसलिए यह खीज मिटाने के लिए ये बात करते हैं वो। मेरा 48 में से 40 केस पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में हुआ है, इसलिए यह आरोप उनका सरासर गलत है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस,
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।